नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर आज की ये कि रोहित शर्मा का फिटनेस टेस्ट इस वक्त पे जब आपसे बात कर रहा हूं तो जारी है। रोहित शर्मा के फिटनेस टेस्ट को लेकर अपडेट हम लगातार आपको दे रहे थे कि किस तरह से 11 तारीख को उनका फिटनेस टेस्ट होगा और अगर आज सब कुछ सही रहता है तो फिर वो कल जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर देंगे। और उनके कल ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने का मतलब होगा कि वहां पर जब वो पहुंचेंगे तो तकरीबन 2 टेस्ट मिस करने पूरी तरह से तय मानी है, क्योंकि वहां पर हार्ड क्वारंटीन है, सॉफ्ट क्वारंटीन नहीं है। और हार्ड क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि आपको जो है किसी भी तरह की छूट वहां पर नहीं दी जाएगी, या अगर जैसे दादा जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लगातार बात कर रहे थे कि क्या इसमें थोड़ा डिस्काउंट उन्हें मिल सकता है इस लहजे से कि भाई क्वारंटीन के नियमों को या थोड़े दिनों को थोड़ा सा कम कर दिया जाए और रोहित शर्मा जो है वो टीम के साथ जुड़ पाए या फिर दूसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल हो पाए, क्योंकि दूसरे टेस्ट में आप सबको पता है कि विराट कोहली भी नहीं खेलने जा रहे। ऐसे में रोहित शर्मा के फिटनेस टेस्ट को लेकर जो भी अपडेट होगा, मतलब फाइनल जो कॉल ली जाएगी, वो आपको सबसे पहले यहाँ पता चलेगी। और इसके साथ साथ अभी अगर हम बात करें कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा, तो इसमें निश्चित तौर पर जो उनकी इंजरी है उसी को लेकर के पहले तो सबसे ज़्यादा जो टीम फिजियो हैं वो थोड़े से चिंतित नज़र आ रहे थे शुरुआती वक्त में, लेकिन उसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो NCA में उन्होंने रिहैब का प्रोग्राम शेड्यूल तरीके से पूरा किया और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फिट दिख रहे थे, ये कहते हुए दिख रहे थे कि मेरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है अच्छे तरीके से और अगर सब कुछ नहीं बिगड़ा एट द वेरी लास्ट टाइम तो 80-90% आप श्योर मान के चलिए। ये तकरीबन आज से एक हफ्ते पहले की बात है, तो तब वो 80-90% कह रहे थे, अब एक हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी हुई होगी। यानी आप ये तय मान के चलिए कि कल रोहित शर्मा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो डायरेक्ट फ्लाइट ही लेंगे, बीच में कोई कनेक्टिंग फ्लाइट होगी नहीं क्योंकि इंडियन टीम तो चार्टर्ड विमान में गई थी। लेकिन जो रोहित शर्मा होंगे उन्हें कैसे भेजा जाएगा BCCI की तरफ से, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ उसके बाद 14 दिन का जो क्वारंटीन है वो उन्हें स्पेसिफिक पीरियड पूरा करना पड़ेगा और इसी के बाद जो है आप देखेंगे कि रोहित शर्मा शायद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो तीसरे टेस्ट से टीम इंडिया का हिस्सा होंगे बतौर ओपनर। और फिर देखते हैं पहले 2 टेस्ट मैचेस का नतीजा क्या रहता है, उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 में आना, क्योंकि अगर टीम इंडिया को कहीं पहले 2 टेस्ट मैच में कहीं एक जीत मिल जाती है तो फिर इंडिया कमांडिंग पोजीशन में होगी। खास तौर पे दूसरे मैच, पहला मैच जीतना इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आप पिंक बॉल टेस्ट पहली बार घर से बाहर खेलने जा रहे हैं और घर से बाहर आप वहाँ खेलने जा रहे हैं जहाँ पर घास जो है छोड़ी हुई होगी, क्योंकि आपको पता है पिंक बॉल का सर्फेस बचाने के लिए घास थोड़ी सी एवरेज लेंथ से थोड़ा सा और उसे बढ़ाया जाता है ताकि उसका शाइन जल्दी ना जाए। इसलिए जिस भी मैदान पर पिंक बॉल से मैच होता है आप देखेंगे कि वहाँ पे पिच पे जो घास है वो अमूमन तौर पर जितनी रहती है उससे और थोड़ा सा उसे ज़्यादा रखा जाता है। तो ऐसे में एडिलेड का मैदान, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस, डे नाइट मैच, पिंक बॉल और उसमें जो है वो पहला ही टेस्ट मैच जो है इंडिया को पिंक बॉल के साथ खेलना है, ये थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है मुझे कि पहला ही मैच आपको भारत को पिंक बॉल से नहीं खिलवाना चाहिए था। तीसरा टेस्ट मैच हो सकता था, चौथा टेस्ट मैच आप खिलवा सकते थे, लेकिन पहला ही मैच पिंक बॉल से थोड़ी सी इनजस्टिस है। खैर देखते हैं रोहित शर्मा को लेकर क्या अपडेट आता है, आपको सबसे पहले यही मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।